प्रिय विद्यार्थियों, साइनोफेसी का दूसरा मेंबर नॉस्टॉक के बारे में बताऊंगी। नॉस्टॉक ऑलिव ग्रीन ब्लू ग्रीन कॉलोनियल एल्गी जैतूनी हरी निवेई नीलहरितिया मर्श एग चवर अंड शैवाल के नाम से भी इसको जाना जाता है। सबसे पहले हम इसकी वर्गीकृत इसकी स्थिति देखेंगे। इसका जगत है प्रोकैरियोटा, प्रभाग है साइनोफाइटा, वर्ग साइनोफाइसी, गण नॉस्टोकेल्स, कुल नॉस्टोकेसी, वंश नॉस्टॉक। अब हम देखेंगे इसका प्राप्त स्थान। यह नील हरित शैवाल प्राय लवण रहित जल एवं स्थलीय दोनों प्रकार के आवासों में पाई जाती है। इसके अनेक तंतु संघन म्यूसिलेज सैंती में अंत्य स्थापित पाए जाते हैं। इस प्रकार नॉस्टॉक एक कॉलोनी की संरचना को निरूपित करता है। इसकी शिशु कॉलोनी गोल एवं सूक्ष्म होती है, परंतु एक परिपक्व कॉलोनी का परिमाप मटर के दाने या अखरोट के बराबर होता है। कुछ प्रजातियां जैसे नॉस्टॉक एम्पलिसिमम में 30 क्यूबिक मीटर एवं नॉस्टॉक पक्टीफॉर्मी में कॉलोनी का परिमाप मुर्गी के अंडे के बराबर होता है। धान के खेतों में नॉस्टॉक प्रचुरता से पाया जाता है। वैज्ञानिक गुप्ता के अनुसार 1962 में उत्तर प्रदेश के धान के खेतों में इसकी विभिन्न प्रजातियां जैसे नॉस्टॉक कार्डियम, नॉस्टॉक पिसिनेल एवं नॉस्टॉक लिंकिया इत्यादि पाई जाती हैं। इसकी एक अन्य प्रजाति नॉस्टॉक माइक्रोस्कोपिकम वृक्षों की नम छाल एवं नम चट्टानों पर पाई जाती हैं। एक अन्य प्रजाति नॉस्टॉक स्फेरिकम बंजर भूमि में मिलती है। नॉस्टॉक को कॉलोनी सामान्यतः छिछली गड्ढों पोखरों एवं तालाबों के लवण रहित जल की सतह पर तैरती हुई छोटी अनियमित या गोल ठोस या खोखली गेंद के रूप में या अधस्त स्तर संलग्न पाई जाती है। कॉलोनी का रंग नीला हरा या जैतूनी हरा होता है। वह इसे सामान्य रूप से स्टार जेली या चवर अंड भी कहा जाता है। तो इसके रंग के कारण इसको ऑलिव ग्रीन भी कहते हैं। नॉस्टॉक की अनेक प्रजातियां जैसे नॉस्टॉक क्यूमन स्थली होती है, जो गीली जमीन की सतह पर या भूमि में 1 मीटर तक की गहराई पर पाई जाती हैं। बरसात के मौसम में वर्षा के बाद ये फूल कर चमकदार धब्बों के रूप में दिखाई देती हैं। नॉस्टॉक की एक प्रजाति नॉस्टॉक पक्टीफॉर्मी साइकस की कोरोलेट जड़ों एवं एंथोसिरोस नामक ब्रायोफाइट के थैलस में अंतःपादपीय एंडोफिटिक संरचना के तौर पर पाई जाती है, जबकि एक अन्य प्रजाति नॉस्टॉक कोलेमा लाइकेन कोलेमा के थैलस में शैवालाश फाइकोबायोंट के तौर पर सहजीवी गठबंधन के रूप में पाई जाती है। प्रोफेसर देशिकाचार्य ने 1959 के अनुसार भारत में नॉस्टॉक की लगभग 20 प्रजातियां पाई जाती हैं। अब हम देखेंगे इसका थैलस संगठन। इसके तंतु अशाखित एवं कोशिकीय एक पंक्तिक रेखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। असंख्य ट्राइकोम या तंतु लचीले किंतु मजबूत म्यूसिलेज की सहती में संघन रूप से धसे हुए पाए जाते हैं। म्यूसिलेज का बाहरी हिस्सा पेलिकम जैसी कठोर झिल्ली समान संरचना द्वारा ढका हुआ होता है। म्यूसिलेज सहती में उपस्थित तंतु मिलकर जैतूनी हरे या नीले हरे रंग की कॉलोनी बनाते हैं। एक कॉलोनी में असंख्य व्यावर्तित या मुड़े हुए ट्राइकोम्स पाए जाते हैं, जैसे चित्र ए और बी में दिखाई दे रहा है। नॉस्टॉक की कॉलोनी शिशु अवस्था में छोटी ठोस एवं गोलाकार या दीर्घवृत्ताकार आकृति की होती है, परंतु जैसे जैसे कॉलोनी प्रौढ़ या परिपक्व होती है तो इसकी आकृति अनियमित एवं बीच से खोखली हो जाती है। जीर्ण कॉलोनी छोटे छोटे चपटे या अनियमित भागों में टूट जाती है। इन खंडों के किनारे भी कटे फटे या अनियमित होते हैं। इस प्रकार के कॉलोनी खंड तंतु रूपी पर्णेल कंदेल या गोलाब दिखाई देते हैं। कॉलोनी में उपस्थित तंतु विभिन्न लंबाइयों की परिधि पर सघन रूप से व्यवस्थित पाए जाते हैं। ट्राइकोम कुंचित या मुड़े हुए तथा टेढ़े मेढ़े होते हैं, जिनके चारों ओर चमकीला रंगीन या पारदर्शी आवरण पाया जाता है। कुछ उदाहरणों में यह आवरण अनुपस्थित या अस्पष्ट होता है।
हेट्रोसिस्ट कोशिका को छोड़कर शेष ट्राइकोम की सभी कोशिकाएं दीर्घवृत्ताकार या गोल या अंडाकार होती हैं, चित्र के अंदर आपको दिख रहा है, चित्र सी के अंदर, तथा माला के मणकों के समान दिखाई देती हैं। तंतु में पास पास व्यवस्थित कोशिकाओं के बीच संकीर्णता पाई जाती है। ट्राइकोम में उपस्थित हेट्रोसिस्ट अनिश्चित अंतराल पर पाई जाती हैं, अतः ये अपेक्षाकृत बड़ी हल्की पीली गोल या मिट्टी मोटी भित्ति वाली विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जो कि चित्र सी के अंदर हेट्रोसिस्ट दिख रहा है, और इसका हेट्रोसिस्ट का संरचना ये इस प्रकार से है, जो कि ट्राइकोम के अंतर सिरों पर अंतर्विषय स्थिति में भी पाए जाते हैं तथा नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। इनकी दोनों सिरों पर ध्रुवीय छिद्र पाए जाते हैं, पोलर पोर, परंतु अंतस्थ हेट्रोसिस्ट में मुक्त सिरे पर छिद्र नहीं पाया जाता है, केवल एक ध्रुवीय छिद्र मिलता है। छिद्र वाले स्थान पर कोशिका भित्तियाँ स्थूलित होकर ध्रुवीय ग्रंथि का निर्माण करती हैं, जैसे चित्र में दिख रहा है, पोलर नोड्यूल। नोड्यूल द्वारा हेट्रोसिस्ट समीपस्थ कोशिका से संलग्न रहते हैं, कभी कभी हेट्रोसिस्ट श्रृंखला भी पाई जाती है, वैसे ये एकल सॉलिटरी होते हैं। अब हम देखेंगे कोशिका संरचना। तंतु की सभी कोशिकाएं प्रारूपिक तौर पर साइनोफाइसियन संरचना प्रदर्शित करती हैं, एक समान होती हैं, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका द्विस्तरीय कोशिका भित्ति से घिरी हुई रहती हैं। कोशिका की बाहरी भित्ति सेलुलोज एवं आंतरिक भित्ति म्यूकोपेप्टाइड द्वारा निर्मित होती है। कोशिका भित्ति के बाहर पेक्टिन आवरण पाया जाता है। नोस्टॉक में भी कोशिका का जीव द्रव्यक बाहरी वर्णकीय द्रव क्रोमोप्लाज्म एवं आंतरिक सेंट्रोप्लाज्म में विभेदित रहता है, परंतु इन दोनों क्षेत्रों का यह विभेदन कुछ अस्पष्ट सा होता है। रंगहीन सेंट्रोप्लाज्म केंद्रीय क्षेत्र होता है, जिसमें आद केंद्रक इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है। क्रोमोप्लाज्म में उपस्थित प्रकाश संश्लेषी वर्णक किसी सुनिश्चित लवक क्रोमेटोफोर के ऊपर अव्यवस्थित ना होकर इसमें अनियमित रूप से बिखरी हुई पटलिकाओं के ऊपर अव्यवस्थित होते हैं, जैसे चित्र में दिख रहा है। मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल ए, कैरोटीन, जेंथोफिल एवं सी फाइकोसाइनिन तथा सी फाइकोरिथ्रिन पाए जाते हैं। अतिरिक्त खाद्य पदार्थ भी साइनोफाइसिन स्टार्च एवं साइनोफाइसिन कणों के रूप में क्रोमोप्लाज्म के परिधीय क्षेत्र में ही संचित होते हैं। यह क्रोमोप्लाज्म किसी झिल्ली जैसी संरचना द्वारा सेंट्रोप्लाज्म से पृथक नहीं होता है। नोस्टॉक कोशिकाओं में कभी कभी गैस रिक्तिकाएं या कूट रिक्तिकाएं भी पाई जाती हैं। अब हम देखेंगे इसमें जनन। जनन जो है कायिक जनन और अलैंगिक, दो प्रकार का जनन होता है। लैंगिक जनन इनमें अनुपस्थित होता है। तो सर्वप्रथम जनन, अन्य नील हृदयों की भांति नोस्टॉक में लैंगिक जनन का अभाव होता है। यहाँ वंश वृद्धि केवल कायिक विधि या अलैंगिक संरचना निर्माण द्वारा संपन्न होती है, जो कि निम्न प्रकार है। पहले हम देखेंगे कायिक जनन। विखंडन, यांत्रिक क्षति या दुर्घटना वंश नोस्टॉक की कॉलोनी दो अथवा दो से अधिक खंडों में टूट जाती है। इसमें से प्रत्येक खंड वृद्धि कर नवीन नोस्टॉक कॉलोनी बनाता है। दूसरा है हार्मोगोनिया द्वारा। इस प्रक्रिया में नोस्टॉक ट्राइकोम की संरचना में कायिक कोशिका अथवा हेट्रोसिस्ट जहाँ एक दूसरे से संलग्न होते हैं उस स्थान पर टूटने पर ट्राइकोम अनेक खंडों या हार्मोगोनिया में विभक्त हो जाता है, जैसे चित्र के अंदर दिख रहा है, ये हार्मोगोन के द्वारा है नोस्टॉक में। आगे चलकर प्रत्येक खंड नग्न खंड या हार्मोगोनियम नए ट्राइकोम का निर्माण करता है। एक नोस्टॉक कॉलोनी में संभवत असंख्य ट्राइकोम्स की उपस्थिति का यही कारण हो सकता है। अनेक हार्मोगोनिया कायिक जनन के अंतर्गत निरंतर नए ट्राइकोम्स में विकसित होते हैं तथा ये नव विकसित ट्राइकोम्स जनक कॉलोनी से मुक्त न होकर इसी में बने रहते हैं, जैसा कि चित्र के अंदर इंडिकेट है। अब देखेंगे अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी निम्न प्रकार से होता है। पहला एकाइनेट्स या निश्चित बीजाणु। अधिकांश प्रजातियों में एकाइनेट्स का निर्माण प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, अतः ये चिरकालिता संरचना के तौर पर निरूपित की जा सकती हैं। इनको आर्थो बीजाणु या विश्रामी बीजाणु रेस्टिंग पोर्स भी कहते हैं। सामान्यतः इनका निर्माण दो हेट्रोसिस्ट के बीच की कोशिकाओं के द्वारा श्रृंखला के रूप में होता है। वैसे हेट्रोसिस्ट के बीच ना होकर इनका निर्माण दूसरी तरफ भी हो सकता है तथा ये एकल रूप में भी विकसित होते हैं, जैसा कि चित्र में इंडिकेट हो रहा है। ये काइनेट्स
प्रत्येक एक्टिनिड्स एक बड़ी मोटी भित्ती वाली गोलाकार कोशिकाएं होती हैं। इनमें संचित खाद्य पदार्थ साइनोफाइसियन कणों के रूप में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो इनका जीव द्रव्यक विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाओं वाली एक नूतनोद्भिद संरचना बनाता है। इसके पश्चात एक्टिनिड्स की पहली आंतरिक एवं बाद में बाह्य भित्ति संपूर्ण रूप से किसी स्थान से गल जाती है, जैसा कि चित्र जो है इसके अंदर दिखाई दे रहा है, जी के अंदर। परंतु यह नूतनोद्भिद मुक्त होकर नया तंतु बनाता है। सेकंड है एट्रोसिस्ट के अंकुरण के द्वारा। नोस्टॉक माइक्रोस्कोपिकम में विशेष परिस्थितियों में हेट्रोसिस्ट स्वयं बीजाणु के रूप में कार्य करने लगते हैं। वैज्ञानिक देशिकाचार्य ने 1946 के अनुसार प्रयोगशाला परिस्थितियों में निम्न ताप उपचार के पश्चात हेट्रोसिस्ट सामान्य संवर्धन से में ही अंकुरित होकर नए ट्राइकोम में आगे चलकर ये कॉलोनी का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है अंत्य बीजाणु के द्वारा, बाय एंडोस्पोर्स। ये हेट्रोसिस्ट के द्वारा, हेट्रोसिस्ट किस तरह से इसके अंदर हेट्रोसिस्ट के द्वारा नया जो है फॉर्मेशन होता है, नए फिलामेंट्स का निर्माण होता है। अब लास्ट है अंत्य बीजाणुओं के द्वारा। कुछ प्रजातियां जैसे नोस्टॉक माइक्रोपिकम एवं नोस्टॉक कम्यूम में हेट्रोसिस्ट कोशिका अंतर्वस्थुएं विभाजित होकर विशेष प्रकार की संरचना अंत्य बीजाणु का विकास करती हैं। बाद में हेट्रोसिस्ट की भित्ति के विघटित हो जाने से ये अंत्य बीजाणु मुक्त हो जाते हैं। प्रत्येक अंत्य बीजाणु अंकुरित होकर नए नोस्टॉक तंतु में विकसित होता है। अब हम देखेंगे इसका जीवन चक्र। जैसे हमें मालूम है कि नोस्टॉक में केवल अलैंगिक और कायिक जनन होता है, लैंगिक जनन नहीं होता है। तो नोस्टॉक के अंदर कायिक जनन जो है हार्मोगोनिया और फ्रेगमेंटेशन प्रक्रिया के द्वारा है, जबकि नोस्टॉक में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एकाइनेट्स हेट्रोसिस्ट और एंडोस्पोर्स के द्वारा होता है। इसके द्वारा इसमें जो है रिप्रोडक्शन प्रक्रिया संपूर्ण होती है।